स्मार्टफोन कोई भी हो उसमें कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं और उसमें पहला नाम आता है स्टोरेज का। और यदि आपका फ़ोन का इंटरनल स्टोरेज भरा हुआ है तो आपको काफ़ी सारी समस्याएं फेस करनी पड़ती है, जिसमें पहली समस्या का नाम है फ़ोन का हैंग होना। तो आज की इस वीडियो में बात करूंगा इसी के बारे में, तो आगे इस वीडियो को देखते रहिए। हाय एवरीवन, एप्स इन फोन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है शेखर और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आपके फ़ोन को हैंग होने से बचा सकते हो और आपके फ़ोन की स्टोरेज को काफ़ी हद तक अच्छा बना सकते हो, और ऐसी ट्रिक्स जिसकी मदद से आप काफ़ी सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हो और आपका फ़ोन काफ़ी अच्छे से चलेगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा फ़ोन को क्लीन करने की। तो जो एप्लीकेशन मैंने दिखाया है इसको बिल्कुल भी इंस्टॉल मत करना, कोई काम की एप्लीकेशन नहीं है। तो ये वाली एप्लीकेशन आपके काम की है जिसका नाम है फाइल गो। मेरी ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, मैं हमेशा इसको यूज़ करता हूँ, गूगल की एप्लीकेशन और काफ़ी सारे वीडियोज़ में शामिल भी कर चुका हूँ। तो इसका यूज़ करो यार, काफ़ी लाइट वेट एप्लीकेशन है और सबसे ज़्यादा रेटेड भी है और 10 मिलियन डाउनलोड्स भी इस एप्लीकेशन के। काफ़ी अच्छी तरीके से आपके फ़ोन को क्लीन करेगी। और मतलब दूसरी लाइन में एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि मैं खुद यूज़ करता हूँ इस एप्लीकेशन को। तो जंक फाइल है, टेम्प्रेरी फाइल है, डुप्लीकेट फाइल है, फ़ोटोज़ हैं, आपकी काफ़ी सारी हेल्प करेगा स्टोरेज को क्लीन करने में। और इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा फ़ोटोज़ को मूव करने का डायरेक्टली गूगल फोटो में। इसके अलावा आप इसकी मदद से ना अपने फ्रेंड्स को फाइल्स शेयर कर सकते हो, मतलब जैसे जेंडर का यूज़ होता है, तो इससे अच्छा आप इसका यूज़ करो, काफ़ी फास्ट होती है और टेम्प्रेरी फाइल वगैरह सब कुछ डिलीट कर सकते हो इस एप्लीकेशन। बहुत सारे स्मार्टफोन ऐसे होते हैं मिड रेंज वाले जिनमें स्टोरेज की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और उन फ़ोन पर यदि आप हैवी एप्लीकेशन चलाओगे तो वो हैंग होने लगता है। तो इसीलिए काफ़ी सारी कंपनियां ना लाइट एप्लीकेशन बनाते रहती है, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, काफ़ी सारी एप्लीकेशन, यहाँ तक कि वीगो वीडियो भी लाइट एप्लीकेशन बनाता है। देखो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था ये, बट हाँ ये भी बनाती है और मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ लाइट एप्लीकेशन को लेकर, तो देख लेना यार उसको भी। काफ़ी सारी ऐसी अच्छी लाइट एप्लीकेशन बताऊंगा जो आपके फ़ोन को इजीली और स्मूथली चलाएगी और खुद भी चलेंगी। तो लाइट एप्लीकेशन आप यूज़ करो। और मैंने कुछ मतलब एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके लाइट एप्लीकेशन बनाई थी, तीन जो कि ऊपर दिख रही है, फेसबुक, अमेजोन और अली एक्सप्रेस, क्योंकि मैं यूज़ करते रहता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर। तो ये वाली प्रॉब्लम ना हर फ़ोन पर होती है, बहुत सारी कंपनी अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देती है, जैसे कि शॉमी, सैमसंग, ये ना अपने फ़ोन पर ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देती है जिनका आपको जीवन में कहीं काम नहीं होगा और आप उनका यूज़ भी नहीं करते होंगे। तो ऐसी एप्लीकेशन को आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, बट हाँ यदि आपका फ़ोन रूट है तो आप कर सकते हो। बट यदि अनइंस्टॉल नहीं कर सकते तो आपके पास में एक ऑप्शन होता है डिसेबल करने का, चौखट से सेटिंग पर उन एप्लीकेशन को डिसेबल कर लो जो आप यूज़ नहीं करते हो, जिनका आपको यूज़ होते ही नहीं, जैसे कि गूगल प्ले, बहुत सारे लोगों को होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं होता है। तो जिनको यूज़ नहीं होता आप उनको डिसेबल कर लीजिए, आपका फ़ोन काफ़ी अच्छे तरीके से चलेगा और उन एप्लीकेशन के लिए स्पेस बढ़ जाएगा जो कि आप यूज़ करना चाहते हो। तो बहुत सारी एप्लीकेशन आपके काम की तो होती ही नहीं है, तो बस आपको ये सारी चीज़ें कर लेनी चाहिए। हमारे जीवन का सबसे अहम हिस्सा होती है फ़ोटोज़, मतलब कोई भी मोमेंट हो, कहीं पे भी हम जाए तो फ़ोटो तो खींचते ही खींचते हैं। तो इस सुविधा को आसान बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं गूगल फ़ोटोज़ का या फिर क्लाउड स्टोरेज का। तो जो लोग यूज़ नहीं करते हैं तो यार जाओ गूगल फ़ोटोज़ में अपना अकाउंट बनाओ, काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे मेरे एसोजन फ़ोन मैंने परचेज़ किया तो मेरे को 100 GB मिला था फ्री गूगल ड्राइव में स्टोरेज, तो मेरे लिए तो काफ़ी आसान चीज़ है। जिनके पास में नहीं है, मतलब एसोस जेन फ़ोन है तो आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप फ्री अप भी कर सकते हो स्टोरेज गूगल फ़ोटोज़ की मदद से, मतलब आपने कुछ फ़ोटोज़ को कैप्चर किया हुआ है और वो आपके फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज में है तो आप फ्री अप स्टोरेज पे क्लिक करके उन्हें ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसके अलावा प्ले स्टोर पर भी आपको काफ़ी सारी एप्लीकेशन मिल जाएंगी जो कि क्लाउड स्टोरेज का सपोर्ट दे देगी और आप अपने इंटरनल स्टोरेज वहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, जैसे कि व्हाट्सएप पर जो चैट्स आती हैं वो भी आपके फ़ोन का स्टोरेज बढ़ाती हैं। और मान लीजिए आप आपकी चैट्स को क्लियर नहीं करते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है आपके फ़ोन पर। और आपको स्टोरेज पे आप जाके देख सकते हो कि
आपको सबसे ज़्यादा मैसेज कौन करता है और आपको किन किन लोगों की चैट हटानी है, कौन कौन से में सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा फाइल एक्सप्लोरर पर भी आपको क्लीनर का ऑप्शन मिलता है, जो एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हो और अनइंस्टॉल करने के बाद में उसका डेटा वहाँ पर रह जाता है, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और ये सारी चीज़ें करने के बाद में आप आपका फ़ोन फ्री कर पाए होंगे। तो बस मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जो भी चीज़ें मैंने मिस करी हैं। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। बाय बाय।